हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमें कॉल आती है हमारे मोबाइल में और रिंग बजती है, लेकिन हमें कोई स्क्रीन जो है वो नज़र नहीं आती है। तो इसके क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं और इसे किस तरीके से हमें क्लियर करना है, आज के इस वीडियो के अंदर हम वही बात करने वाले। हालांकि ASUS ZenFone Max Pro M1 पर इस इशू को किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे कॉमन जो है वो फ़ोन के अंदर, टोटल जितने भी फोन्स होते हैं इनमें अगर आपको इस तरीके का इशू आ रहा है तो क्या क्या चीज़ें आपको ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम हमें आ रही है कि हमें कॉलिंग स्क्रीन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, उसके वो कहाँ का जो हमें इशू आ सकता है कि जिसकी वजह से ये हमें दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन का इशू हो सकता है, फ़ोन ऐप का इशू हो सकता है, या फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम का इशू भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमें जो हम बोलेंगे एप्लीकेशंस पर इन्हें ट्राई करना चाहिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ट्राई करना चाहिए, उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ रही है तब। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको इसके लिए पहला सोल्यूशन आप ये ट्राई कीजिए कि आप आपके नोटिफिकेशन में इसे चेक कर लीजिए। फोन ऐप में फोन के सेटिंग में आने के बाद आपको वहाँ पर ऐप्स और नोटिफिकेशन का सेटिंग मिल जाएगा, तो वहाँ पर ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पर आपने कहीं या किसी और ने इसे यानी फोन ऐप का नोटिफिकेशन तो नहीं बंद कर दिया। अगर नोटिफिकेशन बंद है तो डेफिनेटली ये स्क्रीन आपको स्क्रीन पर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र नहीं आने वाला, तो अगर ये ऑफ है तो इसे ऑन कर लीजिए तो आपका इशू क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि आपका फ़ोन ऐप का ये प्रॉब्लम हो सकता है। फ़ोन ऐप का अगर इशू है तो भी ये दिक्कत आपको आने वाली है। इसके लिए कुछ मल्टीपल सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप ट्राई कर लीजिए। दोस्तों देखिए, जो हमारा डायलर होता है, जो फ़ोन ऐप होता है, इसके अपडेट्स बार बार आते रहते हैं, तो कभी कभी कुछ अपडेट्स जो है वो प्रॉपरली नहीं होने की वजह से, या जो ये फाइल टेम्पररी फाइल्स को जनरेट करता है ये प्रॉपरली मैनेज ना होने की वजह से भी ये दिक्कत हमें आती है। यानी जब हम फोन ऐप को यूज़ करते हैं तो बहुत सारी टेम्पररी फाइल्स एक्टिवेट होती है, वो ऑफ होती है, ऑन होती है, तो अगर ये सही से मैनेजमेंट इनका नहीं हो पा रहा है तो भी ये दिक्कत हमें जो है वो देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेम्पररी फाइल्स को इरेज कर देना है। पहला काम आपको करना है कि आपको प्ले स्टोर ऑन करना है, वहां पर आपके फोन ऐप को सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो है इसके सारे अपडेट्स को रिमूव कर देना है, अनइंस्टॉल कर दीजिए तो सारे अपडेट्स आपके रिमूव हो जाएंगे। बट वो इनबिल्ट ऐप होता है तो आपका एप्लीकेशन इरेज नहीं होगा, कोई कॉल लॉक आपके रिमूव नहीं होंगे, कोई कॉन्टैक्ट्स रिमूव नहीं होने वाले, डोंट वरी। तो यहाँ पर आपके अपडेट्स अनइंस्टॉल के जरिए आपको रिमूव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपकी मोबाइल की फोन स्क्रीन पर आना है और उस ऐप को ढूंढना है, उस पर टैप एंड होल्ड करना है। उसमें एक ऑप्शन आपको नजर आएगा ऐप इन्फो, वहां पर आपको टैप करना है, उसमें ऑप्शंस ओपन होंगे, वहां पर आपको स्टोरेज में आना है। स्टोरेज में आने के बाद आपको वहां पर क्लियर कैच और क्लियर डेटा, दो ऑप्शंस मिलेंगे, उसे आपको वन बाय वन क्लियर कर लेना है। इससे भी कोई आपके कॉल लॉग या फिर कॉन्टैक्ट्स रिमूव नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोबारा प्ले स्टोर में आना है, इसे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको इसको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि ये जो आपको इशू आ रहा था ये सॉल्व हुआ है या नहीं। अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो अगेन आपको क्या करना है कि वहीं पर आपको मोबाइल की होम स्क्रीन पर आना है, एप्लीकेशन पर टैप एंड होल्ड करना है, उसके बाद ऐप इन्फो में आना है और उस पर उसको एक बार फोर्स स्टॉप कर देना है। अगर आप इसको फोर्स स्टॉप कर दोगे तो क्या होगा कि दोबारा रिस्टार्ट होगा, यानी एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको इसको शुरू भी करना है। तो ऐसे करने पर भी आपका ये जो इशू है ये सॉल्व हो सकता है, ये चीज़ होगी। तो आपको नोटिफिकेशन में ट्राई करना चाहिए, एप्लीकेशन की इन सॉल्यूशंस को ट्राई करना चाहिए, या तो फिर अगर फिर भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो फिर आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रिफ्रेश कीजिए। इसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको जो क्लियर कैचे पार्टीशन होता है उसको आपको क्लियर करना है, या तो फिर आपको जो है आपके फैक्ट्री रिसेट करना है आपके मोबाइल को, या तो फिर आपको आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है एक स्टेप बैक आना है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनग्रेड करना है और एक बार उसको अपग्रेड कर लेना है। तो ऐसे भी ये प्रॉब्लम जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सोल्यूशन है इसके लिए आपको आपके कंप्लीट मोबाइल का बैकअप जरूर ले लेना है, ताकि आपका कोई भी जो पर्सनल डेटा है वो उड़े ना, इरेज ना हो। तो ये कुछ सोल्यूशन है। अगर आप ये ट्राई करोगे तो मुझे उम्मीद है 100% आपका ये कॉलिंग स्क्रीन का इशू जो है वो सॉल्व होने वाला है। तो इसे आप ट्राई करके देखिए। इनकेस अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम कोई अगले सॉल्यूशन जो है आपके लिए लाकर किसी और अगले वीडियो के अंदर आपको बता पाए। तो दोस्तों बस इतने था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर किया आपको ठीक लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड है इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल
टेक्निकल बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ, तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।